आदाब, वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज यूनिवर्सिटी में एक इवेंट है, लेकिन शाम को है। अभी नाश्ता करना है, नाश्ता करके कुछ दोस्तों को मिलना है, यूनिवर्सिटी में थोड़ी गपशप लगानी है और जुम्मा भी है आज। सबको जुम्मा मुबारक। तो मिलते हैं आपसे यूनिवर्सिटी में। फिर अभी यूनिवर्सिटी आए हैं और दोस्तों से मुलाकात हुई है। शाम का इवेंट है, तकरीबन 3 बजे का। न्यू कैंपस जाना है। मेरे साथ समीत है पीछे। इसमें किन्नू वाला ये चॉकलेट है। ये शहजादा किन्नू का जूस नहीं पी रहा, कह रहा है मेरा मूड नहीं बन रहा। तो लेकिन मैंने किन्नू प्रेफर किया क्योंकि आजकल मौसम वैसा है और जहाँ पे चॉकलेट हो वहाँ पे किन्नू का जूस कौन पीता है। लेकिन जो मौसम होना चाहिए ना वैसा ही पीना चाहिए। ये हम आए न्यू कैंपस और पीछे डिपास फैमिली। ये यार थोड़ा जी जी ये सबसे ऊंचा कद है इसका। नहीं बस ठीक है, नॉर्मल ही है मेरा। ये हमारे डिपास के प्रेसिडेंट शेरवान सुल्तान। हेलो सर। हेलो, हाउ आर यू इमरान, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आपका क्या? अल्हम्दुलिल्लाह। यार इतनी ठंड है, आपने हमें मेन कैंपस से यहाँ पे बुलाया। यार दरअसल गल ये सियाने कहते ने गोली ते ठंड किसी टाइम भी लग सकती है। गल है पिछे आ बंदे हसन देन मुनव्वर भाई, अब्दुल रहमान और पीछे हो जा, उसको भी आने दे। आपका क्या नाम है? अब्दुल रहमान। ये हमारे राइटर्स क्लब के प्रेसिडेंट। यार एक शेर आज फिर हो जाए, आज फिर हो जाए। एक किरदार की उम्मीद पे बैठे हैं ये लोग जो कहानी में हंसाने के लिए आता है। वाह वाह, क्या बात है आपकी, कितनी अच्छी बात की है। करार दिल तो सदा जिसके नाम से आया, वो आया भी तो किसी और काम से आया। मैं खाली हाथ ही जा पहुंचा उसकी महफिल में, मेरा रकीब बड़े इंतजाम से आया। अभी वो आ गए हैं, गेट पे पहुंचे हैं। तो उनसे मोहब्बत का एक स्टूडेंट ने अपना ना इजहार किया है, उनकी पिक्चर बना के। ये भाई हैं वो। आपका नाम क्या है? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली, कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? स्कर्दू से। स्कर्दू से, माशाल्लाह। यार इतनी दूर से इन्होंने इतनी मेहनत से उनका पेंटिंग, ये पेंटिंग है ना, स्केच है, ये स्केचिंग है और स्पेशल सरबत साहब के लिए उन्होंने बनाई है। मैं आपको दिखाता हूँ अभी। गुड वर्क यार, थैंक यू। मेरे साथ सरमद खोसट साहब हैं, ये माशाल्लाह हमारी यूनिवर्सिटी में इंटरेक्शन सेशन के लिए आए हैं। सर कुछ लाइन हमारी यूनिवर्सिटी के बारे में। यार यूनिवर्सिटी के बारे में अभी जो कुछ मैंने सुना है, आप लोगों के सुना है, यहाँ पे कोई 22 तरह के डिफरेंट क्लब्स और सोसाइटीज़ हैं, और मुझे जो बता रहे थे भी आपके सर के आप लोग बहुत एक्टिवली डिबेट्स में भी और ड्रामेटिक्स भी करते हो, सो इससे ज़्यादा खुशाइन बात कोई नहीं हो सकती, क्योंकि यूनिवर्सिटी का काम सिर्फ या किसी भी इदारे का, तालीमी इदारे का काम सिर्फ आपको डिग्री देना नहीं है, सिर्फ एक क्लास से दूसरी क्लास में जाना नहीं होता। बहुत ज़रूरी होता है कि एक ऐसी आबो हवा, एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए जिसमें आप अपनी दीगर सलाहियतों को भी पॉलिश कर सकें, और जो ख़ास तौर पे डिबेट्स हैं, रेसिटेशन है, परफॉर्मिंग आर्ट्स में अगर आप ड्रामे की बात करते हो तो उसमें आपका कॉन्फिडेंस जो ज़िंदगी में हर जगह चाहिए होता है, आपको पब्लिक स्पीकिंग करनी होती है, आपको जब किसी भी किस्म की जॉब करनी होगी वहाँ पे आपकी पर्सनालिटी की ग्रूमिंग के लिए चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं। सो एक यूनिवर्सिटी की इन्वायरमेंट वो सबसे महफूज और हेल्थी जगह होती है जहाँ पे ये सब कुछ एक बड़े अच्छे और दोस्ताना अंदाज में हो सकता है, क्योंकि बाद में तो फिर ज़िंदगी बहुत कम्पटिटिव हो जाती है। सो आई होप आप सब लोग इस अपॉर्चुनिटी को बेहतरीन तौर पे यूज़ करते हुए इसका फ़ायदा उठाओगे, इससे कुछ सीखोगे, और इंशाल्लाह अगर आप लोग अपना एनुअल प्ले जब भी करते हो बस मुझे थोड़ा सा पहले अगर हेड्सअप मिलेगा तो मैं ज़रूर फैसलाबाद आऊँगा GCU में, अगर आपका एनुअल प्ले जब होगा तो मैं देखने भी आऊँगा ज़रूर, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है। हाँ, बस सोशल मीडिया से एक जो मुझे थोड़ी सी शिकायत हुई होती है कि सब लोग बहुत जल्दी जल्दी बस नतीजे चाहते हैं, ये बस काम के ऊपर ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है बनिस्बत इस बात के कि सिर्फ नंबर्स बढ़ाए जाएं, व्यूज़ बढ़ाए जाएं। तो जो भी कंटेंट आप लोग क्रिएट करो बस उसमें भी एक जिम्मेदारी का एहसास होना बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया सर जी आपका। वेलकम, वेलकम। तो आ गया जिसका इंतजार था, हमारे मेहमान ग्रामी आप सबसे गुजारिश है कि खड़े होकर इससे बात कीजिए। आप सबकी भरपूर तालियों में जनाब साहब और उसकी पूरी टीम जो है वो कि वो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी की ड्रामेटिक सोसाइटी की दरख्वास्त पर हमारे बच्चों की तरबियत करने के लिए उनके साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। दोस्तों और चांद चेहरे वाले बच्चों, हुक्मनामा जारी हुआ था कि यहाँ आना है, बच्चों से मुलाकात करनी है, अपनी जिंदगी के जो मुशाहिदात हैं वो बताने हैं। खुशी हुई इस यूनिवर्सिटी को देखकर, आप लोगों को देखकर, यहाँ के असातिज़ा से मिलकर। ये जनरेशन हम पे जो फर्क थोड़ा सा है वो ये कि हम लोग बहुत ओपिनियनेटेड है। मैं क्या में हम सब की इख्तिलाफ हो सकते हैं लेकिन हम सब की कोई ना कोई राय है। और इस वक्त अगर एज ए फिल्म स्टूडेंट मुझे लगता है कि सिनेमा को बहुत रिड्यूस कर देते हैं, हम समझते हैं कि सिर्फ सिनेमा का मकसद सिर्फ और सिर्फ एंटरटेन करना होता है। तो छोटा सा अपने बारे में बता दूं, मैंने इससे पहले कभी एक्टिंग नहीं की और ये मेरा अभी तक पहला और आखिरी समझ लें मुश्किल काम है बहुत। जैसे एचएसएन में मैं अपने बैच में वाहिद बच्चा था कि जब क्लास में पूछते थे आपके अब्बा का प्रोफेशन क्या है, आपकी अम्मी क्या करती हैं, तो मैं मुझे बताता एक्टर। एवरीबडी वुड लुक अराउंड कि अच्छा ये कोई काम होता है, तो एक्टिंग बिन तो कोई काम नहीं हो सकता, क्योंकि डॉक्टर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, लैंडलॉर्ड होते हैं। मतलब अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी दुनिया बनाई है, उसमें इतने रिसोर्सेज हैं, उसमें इतनी एनर्जी है, उसमें इतनी अच्छी चीज़ें हैं जो हम सब मिल बाँट के इस्तेमाल कर सकते हैं। इस ज़मीन पे हम सब मिल बाँट के खुशी खुशी रह सकते हैं। किसी के लिए ईज़ा का, तकलीफ़ का, दुख का, तंगी का बायस बनने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा पहलू इसका ये भी है, कभी आपने भी सोचा होगा कि ये काम खुद करना पड़ता है। मैं अपने बाप की जगह काम नहीं कर सकता था, सरमद मेरी जगह काम नहीं कर सकता था। तो वो बच्चा बहुत राज न पूछा कोई से, तो कहानी सुना कर कहानी आज तक, जैसे तू चिड़िया और चिड़े की कहानी सुनता रहा है, तो तब मैनक की कहानी सुनता रहा है। अब तुम ऐसा करो कि अब्बे जी और हमसायन की कहानी सुना करो। वेलकम बैक। उनका सेशन अटेंड करके खाना खाने के बाद हॉस्टल में अपने रूम में आया हूँ मैं, तो काफ़ी अच्छा लगा उनके साथ मिलके। ये फर्स्ट टाइम मैंने आर्ट काउंसिल फैसलाबाद में परफॉर्म करते हुए देखा था, थिएटर किया था उन्होंने एक पामा चांजे दी छनकार, तो काफ़ी फ़नी रोल था उनका। और आज उनसे मिलके बहुत ज़्यादा मतलब कि एक कॉन्फिडेंस और बिल्ड हो गया, क्योंकि जिस तरह की उन्हें बातें शेयर की हैं, अपना एक्सपीरियंस उन्होंने हमें बताया, तो उससे यही लगता है कि इंसान को स्ट्रगल करनी चाहिए, इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। चाहे आपकी फील्ड कोई भी है, लेकिन आपके माइंड में एक गोल सेट होना चाहिए कि मैंने ये अचीव करना है, और अल्लाह ताला भी उसमें आपका साथ देता है। तो इनकी फ़िल्म ज़िंदगी तमाशा सर्कस ऑफ लाइफ, लाइफ एक सर्कस है जिसमें लोग बजा रहे हैं एक दूसरे की, कोई इधर से बजा रहा है, कोई इधर से बजा रहा है। और कुछ लोग इसमें, कुछ अच्छे लोग भी होते हैं जो अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, वो मुआशरे में अपना शो करते हैं कि हमने इतनी स्ट्रगल की है, हम क्या थे अब क्या हो गए हैं। तो खोसट फैमिली की ये फ़िल्म आ रही है, इसको ज़रूर देखने जाइएगा 24 जनवरी को। इनका ट्रेलर देखा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। इंटरेस्टिंग इस वे में नहीं कि इसमें कोई फ़नी टाइप सीन्स हैं, इसमें कुछ सीरियस एक हकीकत है मुआशरे की। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये व्लॉग ज़रूर पसंद आएगा। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। GCU सर, बहुत शुक्रिया आपका।